हरे कृष्णा। ये बाबूलाल सेतु चौराहा है और कन्हैया लाल जी हमारे साथ हैं और मनीष जी बहुत ही उत्साही होकर के ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं इस्कॉन भोपाल के द्वारा। कैसा लग रहा है मनीष जी आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा आनंद हो ही नहीं सकता जिंदगी में। प्रभु का सेवा में और प्रभु का लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसको वितरण करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लोगों के बीच जाते हैं ऐसा तो खराब तो नहीं लगता है? बहुत ही अच्छा सहयोग भी करते हैं लोग। जी जी सहयोग भी करते हैं, कन्हैया जी ने हमारा सहयोग किया है। कन्हैया जी से जानते हैं कि कन्हैया जी धर्म प्रचार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धर्म प्रचार के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी ये अच्छी साहित्य आत्मिक पुस्तकें आती हैं इनको पढ़ना चाहिए, इससे ज्ञान प्राप्त होता है और हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है उसका हमें लाभ भी मिलता है और उससे बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त होता है। और धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए और हमारे जो युवावस्था में युवा है नौनियाले उन्हें भी इस ओर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जी जी आपके सामने इतने युवा आ रहे हैं किताब बांट रहे हैं, कैसा लग रहा है देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक धर्म का प्रचार हो रहा है। देखिए ये हमारे मनीष जी हैं झारखंड से आए हैं, यहाँ 24 घंटा का रास्ता तय करके और धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बहुत कार्य कर रहे हैं। जी जी और आप जिस मूल पे किताब दे रहे हैं ये अगर हम छपाने भी जाएंगे तो उतने में नहीं छपेगी। जी जी बात सही है, सेवा भाव है। जी 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 तो हम लोग जन कल्याण के लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे सभी कोई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।